नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। पिछले सप्ताह दिल्ली में पढ़ रहे एक लॉ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने मध्य प्रदेश कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। पीआईएल में हाल के मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया गया है। उन्होंने अपने पिटीशन में कहा कि तात्कालिक गवर्नर आनंदीबेन पटेल 9 जनवरी को जिस अध्यादेश को मंजूरी दी उसके प्रोविजंस वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इज अ ब्लेटेंट अटैक ऑन द रिलीजियस ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स। आनंदीबेन एक्चुअली उत्तर प्रदेश की फुल टाइम गवर्नर हैं, एमपी पार्ट टाइम संभाल रही हैं। उन्होंने 28 नवंबर 2020 को यूपी का एक सिमिलर ऑर्डिनेंस पर भी हस्ताक्षर किए थे। Both these similar ordinances, which are yet to become acts, are aimed at prohibiting religious conversions by allurement, coercion, conversion, force, fraudulent means, mass conversions, undue influence, and unlawful conversions. In short, aiding anyone to change one's religion by any means। पिटिशनर ने एमपी हाईकोर्ट में अपने याचिका में ये कहा है कि ये ऑर्डिनेंस किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्राइवेसी और पसंद के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। हिंदुस्तान में एंटी कन्वर्जन लॉज का एक लंबा इतिहास है, परंतु उसके पहले इन दो ऑर्डिनेंसेस की छोटी सी इतिहास के बारे में बताना बहुत जरूरी है। 31 अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून लाएगी। जौनपुर में एक आम सभा में उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अगर आप कौन थे, वॉज क्लियर, अगर आप हमारे बहन बेटी के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं करेंगे तो आपका राम नाम सत्य की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसके पहले 2019 में यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने तथाकथित अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स पर एक रिपोर्ट कंपाइल की थी। उन्होंने एक ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 भी सरकार को सबमिट की थी। इट इज अ डिफरेंट मैटर दैट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी हैड डिनाइड लास्ट ईयर इन अर्ली 2020 बिफोर द COVID-19 इम्पोज्ड लॉकडाउन। In Parliament, he had said his exact words, love jihad is not defined under any existing law and no case has been reported by any central agency. तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ और कह रही है और केंद्र सरकार कुछ और? Anyway, let us leave this phrase out because we all know that this is nothing but a dog whistle and you all know what this is all about। आदित्यनाथ के राम नाम सत्य है वाला बयान के ठीक 3 सप्ताह के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने ऑर्डिनेंस को क्लियर कर दिया था और गवर्नर के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिए। आनंदीबेन ने कुछ ही दिनों में इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे और उसके ठीक 2 सप्ताह बाद मुंबई के सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस ने सुप्रीम कोर्ट में उस
ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की। द प्ली फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लेजिस्लेशन वायलेट्स आर्टिकल्स 21 एंड 25 एज इट एम्पावर्स द स्टेट टू सप्रेस एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी एंड द फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। जिन आर्गुमेंट्स को सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस ने अपने पिटीशन में लिस्ट आउट किया, उसी को मोटे तौर पे पैराफ्रेज करके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में उस लॉ स्टूडेंट ने अपने याचिका में पेश किया। एक्चुअली द पिटीशन ऑफ सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ऑल्सो चैलेंजेस अ सिमिलर लॉ पास्ड बाय द उत्तराखंड गवर्नमेंट इन 2018। तो क्या आप लोगों को यह सब कंफ्यूजिंग नहीं लगता है? केंद्र बोलती है कि लव जिहाद करके कुछ है ही नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के सरकार कानून लाते हैं और उनके सीएम्स भाषण देते हैं कि लव जिहाद है और उसको रोकने के लिए कड़ी कानून के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं। मैंने आपको पहले कहा था कि हिंदुस्तान में एंटी कन्वर्शन लॉज का एक लंबा इतिहास है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 के अनुसार इट इज ऑन द फंडामेंटल राइट टू रिलीजन एंड इट स्टेट्स सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट All persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely to profess, practice and propagate religion. Operative शब्द profess, practice and propagate ये हैं, यानी कि किसी भी धर्म में विश्वास रखना और उसका प्रचार करना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस आर्टिकल पर चर्चा 3 और 6 दिसंबर 1948 में हुई थी। शुरुआत से ही कोशिश थी कि प्रचार शब्द प्रोफेस शब्द को हटाया जाए, परंतु ऐसा नहीं हो पाया एंड इंडियंस गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गेव ऑल सिटीजन्स द राइट टू प्रोपगेट देयर रिलीजन। कॉलमनिस्ट और पत्रकार आकार पटेल ने अपनी नई किताब आवर हिंदू राष्ट्र व्हाट इज इट हाउ वी गॉट हियर, उन्होंने कन्वर्जन्स के इशू को अपने किताब में टैकल किया। उन्होंने लिखा है द पॉइंट हियर इज दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोपगेट वॉज अंडरस्टूड बाय ऑल एज अ राइट टू इन द वर्ड्स ऑफ के मुंशी जो हिंदू रूढ़िवादी या परंपरावादी नेता थे द राइट टू परसुएट पीपल टू ज्वाइन देयर फेथ दैट इज टू कन्वर्ट, यानी कि कन्वर्ट करना हमारे आर्टिकल 25 में इंश्राइंड है उनके हिसाब से। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रूढ़िवादी फोर्सेस डिफैक्टो राइट टू कन्वर्ट को नहीं हटा सके, लेकिन फिर भी लगातार अटेम्प्ट्स होती रही। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में क्या डेवलपमेंट्स हुए इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा नजर डालूंगा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में एंटी कन्वर्शंस लॉज की क्या सिचुएशन थी। लॉज रेस्ट्रिक्टिंग रिलीजियस कन्वर्शंस वर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड बाय हिंदू प्रिंसली स्टेट्स during the British colonial period, mainly during the latter half of the 1930s and the 1940s. Lagbhag ek dozen Hindu riyasaton ne is tarah ke kanoon pass kiye basically to prevent Christian missionary activities in their princely states. In princely states mein sabse pramukh the Kota, Bikaner, जोधपुर, रायगढ़, पटना,
सरगुजा, उदयपुर और कालाहांडी। सम ऑफ द एक्ट्स विच वर पास्ड इन द इयर्स बिफोर इंडिपेंडेंस इंक्लूडेड द रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट ऑफ 1936, द सरगुजा स्टेट एपोस्टेसी एक्ट ऑफ 1942 and the Udaipur State Anti-Conversions Act of 1946. Lekin ye laws nullify ho gaye jab ye states Hindustan mein shamil ho gaye azadi ke baad. Samvidhan adopt ho gaya, lekin 1950s mein do private members bills parliament mein move kiye gaye. Ye the Indian Conversions Regulation and Registration Bill जो 1954 में एक सदस्य ने संसद में टेबल किया। इसके बाद 1960 में बैकवर्ड कम्युनिटीज रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल ये मूव हुआ था। द सेकेंड बिल इंपॉर्टेंटली सॉट टू चेक कन्वर्जन्स ऑफ हिंदूज टू नॉन इंडियन रिलीजन्स विच एज पर द डेफिनेशन ऑफ द बिल इंक्लूडेड इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म एंड ज़ोरोअस्ट्रियनिज्म। ये बिल पास नहीं हुए क्योंकि संसद पे इन पर सहमति नहीं हुई। लंबे अंतराल के बाद 1979 में उस समय के एक सांसद जो जनता पार्टी के थे लेकिन ओरिजिनली जनसंघ के थे, ओपी त्यागी, उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल ऑफ 1979 मूव किया। इसका भी वही हाल हुआ जो पहले दो प्राइवेट मेंबर्स बिल्स का हुआ था। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों प्राइवेट मेंबर्स बिल ने सिर्फ कन्वर्जन्स को रेगुलेट करने की बात की, नॉट टू कंट्रोल द फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल टू प्रोपगेट देयर रिलीजन। बीजेपी ने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर एंटी कन्वर्जन लॉ लाने की बात की है। 2015 में उस समय के जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे अमित शाह, जो अब होम मिनिस्टर हैं, ही कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड एंटी कन्वर्जन लॉ, लेकिन बीजेपी के प्लान्स सारे नाकामयाब हो गए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने स्पष्ट किया कि दैट दिस इशू इज अ प्योरली स्टेट सब्जेक्ट। दिस इज बिकॉज द मैटर लाइज एंटायरली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन ऑफ द स्टेट्स अंडर द स्टेट लिस्ट इन द शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने कहा। इसी कारण की वजह से जब संसद में बात नहीं बनी, 1960 से एंटी कन्वर्जन्स लॉज अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक के बाद एक पास किया और करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 1967 में ओडिशा में एक कानून लाया गया, ओडिशा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट, इसको असेंबली में पास करा दिया गया। उस समय उड़ीसा में नॉन कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी के लीडरशिप में सरकार थी। आकार पटेल ने अपने किताब में टिप्पणी की है, द स्टेट हैड प्लक्ड प्रोपगेशन आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द इंडियन पीनल कोड, यानी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करना क्रिमिनल एक्ट बन गया आकार पटेल के हिसाब से। एक साल के अंदर 1968 में मध्य प्रदेश बिकेम द सेकेंड स्टेट टू पास एन एंटी कन्वर्जन लॉ, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म इंड्यूसमेंट लाइक ओडिशा हैड डन, मध्य प्रदेश यूज द वर्ड एल्योरमेंट। इट वॉज डिफाइंड एज, एंड आई कोट, offer any temptation in the form of any gift or gratification either in cash or kind or grant of any material benefit
आइदर मॉनेटरी और अदरवाइज। आपको समझना होगा कि अदरवाइज का मतलब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी करके अगर आपने किसी को कन्वर्ट करने में कोई भी मदद की हो तो वो क्रिमिनल एक्ट हो जाता है। द ओडिशा लॉ वॉज चैलेंज इन द हाई कोर्ट एंड इन 1973 द जजेस हेल्ड द लॉ एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट आर्टिकल 25(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज प्रोपगेशन of religion and conversion is a part of the Christian religion and the term inducement is vague. Madhya Pradesh High Court ne lekin MP Freedom of Religion Act 1968 ko uphold kiya. Ye case Supreme Court mein gaya. Isko legal circles mein Reverend Stanislaw versus State of मध्य प्रदेश के तौर पर रेफर किया जाता है। एमपी के कानून के साथ उड़ीसा के कानून को भी लिस्ट कर दोनों पे सुनवाई हुई। जस्टिस एएन रे जो इमरजेंसी के दौरान कई कंट्रोवर्शियल जजमेंट्स की वजह से जाने जाते हैं, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को प्रिसाइड किया जिसने इस पर्टिकुलर केस की सुनवाई की। The Constitution Bench made a distinction between the right to propagate and the right to convert. It ruled, unfortunately, I would say, we have no doubt that the word propagate used in Article 25 does not grant the right to convert another person to one's own religion, but only to transmit or spread one's religion by an exposition of its tenet. लेकिन ये बात तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। जो प्रचार करेगा वो तो कन्वर्ट भी कर सकता है। रोल्स कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं? 17th जनवरी 1977 में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद कई और स्टेट्स ने ऐसे सिमिलर एंटी कन्वर्जन कानून 1978 में पास किए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश इनमें से थे। नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना होने के बाद उन्होंने एमपी के कानून को इनहेरिट किया, विरासत में ले लिया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2003 में, तब उन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2003 को पास करवाया। द हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट वॉज पास्ड इन 2006। आयरॉनिकली एट दैट टाइम द चीफ मिनिस्टर वॉज अ कांग्रेस लीडर वीरभद्र सिंह। राजस्थान में भी एक ऐसा ही कानून पास हुआ लेकिन उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी। झारखंड में फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2017 में पास हुआ और 2018 में इसका फॉर्मल रोल आउट के संकेत मिलने लगे थे। बट इन 2019 द बीजेपी वॉज वोटेड आउट ऑफ द असेंबली एंड द न्यू थ्री पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय द झारखंड मुक्ति मोर्चा, द कांग्रेस and the Rashtriya Janata Dal said that the government would review this anti-conversion law. In baaton se spasht hai ki state governments apne apne political parties ke political ya rajnitik agenda ko pursue karte hain aur anti-conversion laws enact karte hain. In laws ka judicial clearance controversial hai. लीगल एक्सपर्ट्स के हिसाब से इट इज क्वेश्चनेबल व्हाई द एपेक्स कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट इन 1977 डिड नॉट रिकॉग्नाइज प्रोपगेशन एज इंक्लूडिंग द फ्रीडम टू कन्वर्ट। एल्योरमेंट
और इंड्यूसमेंट की डेफिनेशन भी बहुत सब्जेक्टिव है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राइट टू प्रोपगेट की शब्दावली एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला था। हिंदुस्तान में मेजोरिटेरियन पुश की स्क्रूटिनी जरूरी है। एंटी कन्वर्जन लॉज का एक नया दौर शुरू हो गया है। नए सिरे से इनको कोर्ट्स में अलग अलग लेवल्स पर चैलेंज किया जा रहा है। इस बदले हुए परिस्थिति में हमारे जुडिशियरी को हर धार्मिक संप्रदाय के सेंटिमेंट्स के प्रति सेंसिटिव होने की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई है। नमस्कार, ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत धन्यवाद। Thank you.